हम बहुत ही आनंदित हैं आपके साथ एक और बार होने लुकिंग इन द बुक ऑफ कोलोसियंस कुलुसी की पत्री की ओर देखते हुए एंड मेडिटेटिंग ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड परमेश्वर के अनुग्रह की ओर मनन करते हुए कम टिल वर्स 5 हम पांचवे पद तक आ चुके हैं चैप्टर 1 पहले अध्याय का एंड वी सॉ द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड और हमने देखा कि सुसमाचार जो सामर्थ्य है उस अनुग्रह का एंड द गॉस्पेल इज द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस एंड पीस और वो सुसमाचार है जो शांति और अनुग्रह का है ग्रेस इज द पावर ऑफ गॉड रिलीज्ड इनटू आवर लाइफ और अनुग्रह वो जो सामर्थ्य है हमारे अंदर में प्रवेश किया है सो दैट वी कैन स्टैंड इन द विल ऑफ गॉड एवरी डे ताकि हर दिन परमेश्वर की इच्छा में हम खड़े हो सकते हैं ग्रेस इज ट्रूली रिसीविंग द ब्लेसिंग्स व्हिच जीसस डिजर्व्स अनुग्रह वो चीज है जो अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं जो यीशु मसीह की ओर से है बट वी नीड टू स्टैंड इन द ट्रूथ ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड मगर हमें उस अनुग्रह की सच्चाई में खड़े होना है लेट्स सी दैट आइए हम देखें उसको वर्स 6 ऑनवर्ड्स छठवें पद से लेकर Which has come unto you, the power of the gospel, the message of the gospel has come unto you, Paul. Paulus यहाँ पर कहता है कि जो तुम्हारे पास पहुँचा है, जो अनुग्रह का, जो सुसमाचार. As it is in all the world. और पूरी जगत के ऊपर फैल गई है. And bringing forth fruit. और वो फल ले आता है. Moment you hear this good news. जिस क्षण उस सुसमाचार को हम सुनते हैं. It should bring forth fruit. और आप उस फल को लाने पाए. Miracles must begin to happen through the gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा अद्भुत काम होने पाए. And we must have fruit that remains. That is, others also listening about the gospel and believing in the gospel and standing in the gospel because we have spoken about it. और वो फल निरंतर बने रहे क्योंकि उसके बारे में कहा गया है उसके बारे में सुना गया है और हमने उसको सुनाया है दूसरों As it doth also in you since the day he heard of it. जिस दिन से तुमने उसको सुना है आप में अंदर में So, faith comes by hearing. और विश्वास सुनने से होती है When you hear about the gospel, जब आप सुनते हैं उस सुसमाचार when you start trusting in the gospel, और उस सुसमाचार पर जब भरोसा करते when you know the grace of God is released into your जब life, आप जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर में आ चुका you are receiving blessings which you don't deserve, और जो आपके लायक नहीं है उस आशीष को आप प्राप्त करते and then he concludes by saying, आखिरकार वो कहता है इस प्रकार and knew the grace of God in truth, और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है this is so important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मोस्ट ऑफ अस डोंट नो द ग्रेस ऑफ गॉड इन ट्रूथ हम सच्चाई में उस परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते हैं कई लोग सम पीपल थिंक कुछ लोग सोचते हैं दैट्स व्हेन यू आर रिसीविंग ग्रेस जब आप उस अनुग्रह को ग्रहण करते हैं नाउ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट और अब आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं नो 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 दैट इज नॉट द ग्रेस ऑफ गॉड एट ऑल नहीं 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 वो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है वंस अ पर्सन रिसीव्स द ग्रेस ऑफ गॉड जब एक व्यक्ति उस अनुग्रह को प्राप्त करता है यू आर नो मोर अ सिनर आप आगे बढ़कर एक पापी नहीं है यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड आप इस जगत में नहीं हो यू डोंट बिलोंग इन दिस वर्ल्ड आप इस जगत के नहीं हो यू हैव बिकम अ सिटीजन ऑफ हेवन आप एक नागरिक बन चुके हैं स्वर्ग का एंड यू हैव रिसीव्ड ग्रेस और आपने उस अनुग्रह को ग्रहण किया व्हाट हैपेंस टू यू तब आपको क्या होगा यू आर चेंज्ड आप बदल चुके बिकॉज यू आर नो मोर हैविंग दैट नेचर टू सिन आपके अंदर में वो स्वभाव नहीं है जिसके द्वारा कि आप पाप you hate sin और आप पाप के घृणा करते हैं यू हैव नाउ बिकम द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा यू हैव अ न्यू नेचर आपका एक नया स्वभाव है ऑल थिंग्स हैव पास्ड अवे पुरानी बातें बीत चुकी है ऑल द बैड थिंग्स दैट यू वर डूइंग एंड यू वर इन्वॉल्वड इन हैज नो मोर इंटरेस्ट इन योर हार्ट आपके अंदर में जो कुछ बुरी आदतें थी जो कुछ आप करते थे उसमें आपका मन आगे नहीं लगेगा नाउ यू आर नो More calling yourself a sinner. अब आप अपने आप को पापी के तौर पर नहीं बुलाते. You are calling yourself a forgiven saint. आप अपने आप को पुकारते हैं माफ किए गए संत के तौर पर. And then you're calling yourself the righteousness of God. आप अपने आप को पुकारते हैं परमेश्वर की धार्मिकता. Because you've given your sins to Jesus. क्योंकि आपने अपने पाप को यीशु को दे दिया. And he has given you his gift of righteousness. और उसने अपनी धार्मिकता को हमें दिया है. So now you're a different person. और अभी एक अलगाव व्यक्ति हैं आप बिफोर यू केम टू जीसस यीशु में आने से पहले यू वर वर्किंग हार्ड टू बी अ गुड पर्सन आप मेहनत कर रहे थे एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए यू वर थिंकिंग ऑल योर गुड वर्क्स इज गोइंग टू गिव यू ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड आप सोचते थे कि आपके अच्छे कर्म परमेश्वर की ओर से आशीष देगी आपको बट नाउ मगर अभी सिंस यू हैव कम टू क्राइस्ट जब आप यीशु के पास आ चुके हैं रिसीव द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस आपने ग्रहण किया है उस अनुग्रह के सुसमाचार एंड नाउ और अब यू हैव रिसीव्ड हिज राइटियसनेस आपने उस धार्मिकता को ग्रहण किया एज अ गिफ्ट एक तोहफे के तौर पर यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट आप उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं नो गिफ्ट्स आर नॉट अर्नड
तोहफा उस प्रकार खरीदा नहीं जाता. एंड सो व्हाट हैपेंस, तब क्या होता है? वंस यू रिसीव दिस गिफ्ट, जब एक बार आप उसको ग्रहण करते हैं, यू आर स्टैंडिंग इन दैट गिफ्ट, और आप उस इनाम में खड़े हैं, रिजॉइसिंग इन दैट गिफ्ट, और आप आनंदित होते हैं उस तोहफे में, एंड योर लाइफ इज चेंज, और आपका जीवन बदल चुका है. यू आर नो अंडर द लॉ, आप व्यवस्था के अधीन में नहीं हैं आगे, व्हिच सेज इफ यू ओबे द लॉ यू गेट ब्लेस्ड, जो कहता है कि आप व्यवस्था को माने तभी आपका आशीष होगा, बिकॉज यू आर नॉट अंडर द लॉ, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन में नहीं है. सो सिन शैल हैव नो डोमिनियन ओवर यू, इसलिए पाप आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता. बिकॉज इट्स द लॉ दैट प्रोड्यूसेस डेथ इन यू, क्योंकि जो व्यवस्था ही है जो आपके अंदर उस मृत्यु को पैदा करती है. द लॉ प्रोड्यूसेस द रॉथ ऑफ गॉड इन यू, और व्यवस्था परमेश्वर के क्रोध को उत्पन्न करती है. नोबडी कैन फॉलो द लॉ, क्योंकि कोई व्यवस्था के अनुकरण नहीं हो सकता. बट नाउ वी आर अंडर ग्रेस, और अब हम उस अनुग्रह के अधीन में, सो वी आर नॉट अंडर सिन एनीमोर, इसलिए हम पाप के अधीन में नहीं है. वी आर इन अ बेटर कोवेनेंट टुडे, हम एक बेहतर वाचा की ओर, देयरफॉर इसलिए, वी डोंट सिन डजंट एक्साइट अस एनीमोर, उस प्रकार पाप हमें उलझाती नहीं है कभी भी. नो वी आर इन क्राइस्ट, हम मसीह में हैं, द सिनलेस लैम्ब ऑफ गॉड, जो मेमना जो पाप रहित है. We have received his grace, हमने उसके अनुग्रह को ग्रहण किया, and that is the power of God, वो जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, and we must know what is the truth in the grace of God, तब हम जानने पाए कि उस अनुग्रह में क्या है वो सच्चाई. Can you return with me to Titus chapter 2 for that? क्यों ना मेरे साथ पलटे उस तीतुस की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में. And it tells us what grace does for us. वहाँ पर वो कहती है कि अनुग्रह हमारे लिए क्या करती है. How the Holy Spirit is the one who gives us grace. Who takes what belongs to Jesus and gives to us? किस प्रकार पवित्र आत्मा उस अनुग्रह को हमें देता है जो यीशु मसीह का है? He is called the Spirit of Grace. उसको बोला गया है अनुग्रह की आत्मा के तौर पर. A person who's received grace, जो व्यक्ति उस अनुग्रह को प्राप्त करता है, will come under Titus chapter 2 verse 11 onward. वो व्यक्ति तीतुस उसका दूसरा अध्याय 11वें पद के अधीन में आ जाता है. This is how you receive the grace of God in truth. आपने सच्चाई से उस परमेश्वर के अनुग्रह को इसी रीति से पाया है. You are called not to receive the grace of God in vain. और व्यर्थ में आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए नहीं पुकारे गए. Don't be like that. उस प्रकार ना हो. Don't live in falsehood. आप उस गलत विचारों में कभी ना रहें. Grace of God brings you to the truth of God. और परमेश्वर का अनुग्रह उस सच्चाई की ओर ले आता है आपको. What is that? क्या है वो? The Holy Spirit is our teacher. पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है. And he's called the Spirit of Grace. और उसे पुकारा गया है अनुग्रह की आत्मा के तौर पर. And what does he do for us? वो हमारे लिए क्या करता है? Let's read that from Titus chapter 2 verse 11. आइए हम पढ़े तीतुस उसका दूसरा अध्याय 11वें पद को. For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है. So we see here the grace of God brings us salvation. यहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें उद्धार. We are never saved by our works. हमारे कर्मों से हम उद्धार नहीं पाए हैं. No matter how hard we try. चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करें हम. All our good works cannot save us. हमारे पूरे भले काम हमें उद्धार नहीं पहुंचा. Cannot save us from the wrath of God, the judgment of God, or from our sins and the penalty of sins. हमें बचा नहीं सकती परमेश्वर के उस क्रोध से जो हमारे ऊपर दंड के तौर पर दिया गया है. Cannot save us from Satan and all his works on the earth. इस पृथ्वी के शैतान के हरे कर्मों से वो हमें बचा नहीं सकती. इट्स लाइक वी आर ड्राउनिंग इन द ओशन. वो उस प्रकार है कि एक महासमुद्र में हम उस प्रकार डूब रहे हैं. एंड वी डोंट नो हाउ टू स्विम. और हम नहीं जानते किस प्रकार तैरना है. एंड वी विल नेवर से वी लिव. हम उस प्रकार बचकर जी नहीं सकते. विदाउट जीसस कमिंग एंड रेस्क्यूइंग अस फ्रॉम दैट ओशन. जब तक यीशु नहीं आता और हमें उस महासागर से छुड़ा सकता है. He does not keep a set of law in front of you. वो आपके सामने इस प्रकार की कोई व्यवस्था को नहीं रखा है. No, you did not do this, you did this, or you are all wrong in what you're doing, you're thinking, you're working. No, no. आपने उस व्यवस्था को नहीं किया, इसको किया, और जो कुछ आप करते हैं वो अधर्म है और वो गलत है, इस प्रकार वो नहीं कहता. Jesus is called our savior. यीशु मसीह हमें पुकारा है उस उद्धारकर्ता के तौर पर. He's the one who saves us from the problems we are in. वही है जो हमें छुड़ाता है उन समस्याओं से जिसमें हम फंसे हैं. So no matter what you're going through, चाहे कोई भी समस्या से आप क्यों ना गुजरे, you are drowning, हो सकता है आप डूब रहे होंगे, in your problems, उस समस्याओं में, when you call Jesus, जब आप पुकारेंगे यीशु, know him as your savior, जाने उस उद्धारकर्ता के तौर पर, he saves you from the pit, और उस गड्ढे से वो आपको छुड़ाएगा, he saves you from drowning, और उस डूबने की अवस्था से वो आपको he छुड़ाएगा, saves us from our sins, वो हमारे पापों से छुड़ाएगा हमें, not that we will continue to commit sin, ना कि हम लगातार पाप करते रहे, he gives us grace, वो हमें अनुग्रह देता, so that we will hate sin,
ताकि हम पाप को घृणा करें, and we will love righteousness. और हम धार्मिकता को प्रेम करें. So that's why when the Holy Spirit comes, इसीलिए जब पवित्र आत्मा आती है, He has given us grace to get saved. उसने हमें अनुग्रह दिया है उद्धार के लिए. We are saved from our sin. हम अपने पापों से उद्धार किए गए. Then what does He do? तब वो क्या करता है? He teaches us. वो हमें शिक्षा देती है. Denying ungodliness. अब भक्ति से हम घृणा करें. And worldly lust. और संसारिक अभिलाषाओं से. And he teaches us to live soberly, righteously and godly in this present और world. और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताने के लिए सिखाता yeah. है. So first we receive the gift of righteousness. पहले हम उस धार्मिकता को तोहफे के तौर पर ग्रहण करते हैं. Call ourselves righteous. हम अपने आप को पुकारे धार्मिक तौर पर. And do deeds that are righteous in the sight of God. जो कुछ भले काम है परमेश्वर के सम्मुख में वो हम करें. So we can live holy lives in front of people. और लोगों के बीच में एक पवित्रताई जीवन व्यतीत करें. Outside you are something and inside you are something else. बाहर में आप और कुछ हैं और अंदर में आप और कुछ हैं. But God does not do that for us. मगर परमेश्वर वो हमारे लिए उस प्रकार नहीं करता. God works from inside. परमेश्वर हमारे अंदर से कार्य करता है. He comes to live in our spirit. वो हमारे आत्मा में रहने के लिए आता From है. From the spirit he creates in us that godliness, that peace, that joy that comes from God alone will start flowing into our soul and into our body. वो हमारे आत्मा में कार्य करता है उस धार्मिकता को जो परमेश्वर की ओर से है जो हमारे प्राण और हमारे शरीर में कार्य करता है. We will have no interest in all the worldly things that pull us down into the pit again. हमारे अंदर में कोई चाह नहीं होती है कि संसारिक बातों को हम करें ताकि हम उस गड्ढे में गिर जाएं. Things that Satan comes to tempt us to do. जो बातों को ले आता है शैतान हमें परीक्षा में डालने के लिए. We will know to deny. हम जानेंगे उसका इनकार करने के लिए. When the Holy Spirit is our teacher. जब पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है. He's going to impart grace to us. वो हमारे अंदर में डालेगा उस परमेश्वर के अनुग्रह. He's going to make us so powerful. और बहुत ही सामर्थ्य हमें बनाएगा. That we will say no to sin and all the things of the flesh. और पाप से हम ना कहेंगे और हर एक शरीर की अभिलाषाओं से हम दूर रहेंगे. All ungodliness which God is not glorified in, we'll say no to. और जो अभक्ति है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता उसको हम ना That कहेंगे. That is the true grace of God. वो है सच में अनुग्रह की सच्चाई. We as believers must know what is true grace. जब हम उस प्रकार के विश्वासी हम जाने कि क्या है we वो सच्चाई. No in our hearts, okay, this is the grace of God working in my life because now I am denying ungodliness and worldly lust. हम जानने पाए अपने हृदय में कि हम उस अनुग्रह को ग्रहण किए हैं और अभक्ति से हम दूर उस प्रकार घृणा कर रहे हैं. Choose to live a sober life. और मैं चुनता हूँ एक संयम जीवन व्यतीत करने के लिए. A person who drinks alcohol and gets drunk. ना कि वो व्यक्ति जो शराब लेता है और उस प्रकार पियक्कड़ बनता है. No. Because word is calling us to live a sober life. क्योंकि परमेश्वर हमें पुकारता है एक संयम की जीवन व्यतीत करने के लिए. When the Holy Spirit is in us, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, He will teach us. वो हमें सिखाएगा. He will tell us. वो हमें बताएगा. All these things are not for you. ये सब बातें आपके लिए नहीं है. You are a child of God. आप परमेश्वर के संतान हैं. Bought by the blood of Jesus. आप खरीदे गए यीशु मसीह के लहू से. Born again. आप नए जन्म प्राप्त किए. You are a saint of God. आप परमेश्वर के संत हैं. You've experienced salvation. आपने उद्धार को अनुभव किया. You are a citizen of heaven. आप स्वर्ग के नागरिक हैं. You are called to experience heaven on earth. आप बुलाए गए हैं अनुभव करने के लिए स्वर्ग को इस पृथ्वी पर. You are here to experience the power of grace. आप यहाँ पर हैं परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करने so के लिए. Power of grace helps you to deny ungodliness and worldly lust. और अभक्ति और शरीर की अभिलाषाओं को घृणा करने के लिए वो अनुग्रह कार्य करेगा. And to live soberly. एक अच्छे संयम की जीवन व्यतीत करने के yes, लिए. To do that is right in the sight of और God. धार्मिकता के साथ जो परमेश्वर के सम्मुख एक धार्मिक है वही कार्य को करने And to live a godly life. और ऐसे जीवन व्यतीत करने के लिए कि एक भक्ति का जीवन. In this present world, not after you die and go to heaven. इस वर्तमान की इस जगत पर न कि मरने के बाद. During our lifetime. जो हमारे जीवन के इस युग में. If we are under the grace of God. अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं. We have this one hope. हमारे अंदर में वो आशा What है. Is that hope? क्या है वो आशा? Looking for that blessed hope. उस आशा की बाट जोते हुए. Waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. हम ठहरे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह की आगमन की ओर देखते I हुए. Would say today and now if he comes I'm ready to be with you Lord. आप और मैं कहने पाए कि अगर प्रभु यीशु मसीह इस वक्त आए तो. You know
All of us who are believers know Jesus is coming back again. जो कोई विश्वासी हैं वो सभी जानते हैं कि यीशु मसीह एक और बार आएगा. Not only he is alive from the dead. ना केवल वो मरे हुए में से जीवित है आज भी. He is coming as a bridegroom. और एक दुल्हे के तौर पर वो आने वाला है. Coming for the church. वो कलीसिया के लिए आ रहा है. We are going to be caught up in the air. और हम हवा में उठा लिए जाएंगे. We are going to hear the trump one day. और उस तोहरी का शब्द एक दिन हम सुनने जा रहे हैं. Whenever it is, we are called to be ready all the time. जब कभी वो है हम हर वक्त उस प्रकार तैयार रहने पाए उसके लिए. If you are under the grace of God. अगर आप परमेश्वर के अधीन में हैं. Holy Spirit is preparing us to be the bride of Christ. पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रही है मसीह के उस वधु के तौर पर. There is so much excitement in our hearts to live this Christian life right here on this earth. हमारे अंदर में बहुत ही आनंदमय होता है कि इस जगत में उस आनंदमय जीवन को व्यतीत करने के लिए. ब्लेसेड होप. क्योंकि हमारे अंदर में वो धन्य आशा भरी हुई. आईज आर फिक्स्ड ऑन दिस वन होप. हमारी आंखें उस आशा पर लगी हुई है. माय लॉर्ड इज कमिंग. मेरा प्रभु शीघ्र आने वाला है. आई नीड टू बी इन दैट रैप्चर. होने पाए कि मैं भी उस बुलाहट में होने. आई एम नॉट गोइंग टू बी स्टक इन दिस वर्ल्ड. मैं इस पृथ्वी पर नहीं हटूंगा. नन ऑफ दिस थिंग्स इन द वर्ल्ड एक्साइट मी. ऐसी कोई बात नहीं जो जगत में मुझे उस प्रकार आकर्षित करे. इट्स द फैक्ट दैट जीसस इज कमिंग टू टेक मी टू बी हिज ब्राइड. उससे बढ़कर जितना कि मसीह मेरे लिए तैयार कर रहा है एक वधू की तौर पर. You are looking for that day. आप उस दिन की ओर देख रहे हैं. You are waiting for the day. आप उस दिन के लिए ठहरे हुए हैं. You and I are going to see Jesus face to face. और आप और मैं उस मसीह को आमने सामने देखेंगे. So he's saying, what is he saying here now? वो यहाँ पर क्या कहता है? Saying we are waiting for that hope. आप said hope. आप ठहरे हुए हैं उस धन्य आशा के अधीन में. ग्लोरियस अपीयरिंग ऑफ आवर ग्रेट गॉड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट. और महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट जीसस. क्या हम कह रहे हैं यीशु के बारे में? टेलिंग आवरसेल्फ. हम अपने में कहते हैं. गिव हिमसेल्फ फॉर मी. वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया. दैट ही माइट रिडीम मी. ताकि वो हमें छुड़ा सके. फ्रॉम ऑल इनइक्विटी. हमारे हर प्रकार के अधर्म से. एंड प्यूरिफाई अनटू हिमसेल्फ. और शुद्ध करके अपने लिए. अ पिक्यूलियर पीपल. एक ऐसी जाति बना ले. फॉर गुड वर्क्स. जो भले भले कामों के सरगर्म हो. दिस इज आवर एम व्हाइल वी आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड टू कम. जब हम ठहरे हुए हैं उस प्रभु की ओर ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए. सो इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट ग्रेस. अगर आप बहुत ही प्रसन्न हैं उस अनुग्रह के बारे में. यू आर रेडी टू बी इन द रैप्चर. और आप तैयार हैं उस बुलाहट में. नो यू आर रिडीम्ड फ्रॉम ऑल इनइक्विटी. आप जानते हैं कि आपको हर एक प्रकार के पापों से छुड़ाया गया है. Redeemed by the blood of Jesus. आप छुड़ाए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा. You don't belong to the devil anymore. आप शैतान के अधिकार में आप आगे नहीं हैं. You belong to Jesus our Lord. और आप हैं प्रभु यीशु मसीह के. And who are you? आप कौन हैं? You are a pure and holy person. आप शुद्ध और पवित्र व्यक्ति. The moment you say you're redeemed. जिस क्षण आप कहते हैं कि मैं छुड़ाया you गया must know you're redeemed by the blood of Jesus. आप जाने के यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप छुड़ाए गए हो. From what have you been redeemed? आप किसके हाथों से छुड़ाए गए हो? Redeemed from the hand of the enemy. आप शैतान के हाथ से छुड़ाए गए. Now you don't belong to Satan anymore. आप शैतान के अधीन में नहीं हैं. Satan is full of impurity. शैतान में पूरी अधर्म भरी है. But you are a pure soul in the sight of God. मगर आप एक शुद्ध व्यक्ति हैं परमेश्वर के सम्मुख में. Through the power of grace. उस अनुग्रह के सामर्थ्य के द्वारा. And you are a peculiar person. You are a different person from the rest of the world. और इस जाति में से सब एक ऐसा भिन्न जाति. Because you are waiting for Jesus to come. क्योंकि आप ठहरे हो यीशु मसीह के आगमन के लिए. You are full of good works all the time. हर वक्त भले कामों से भरे हुए. You are created for good works. आप बनाए गए हो भले काम करने के लिए. You are ready to know what they are and do them wholeheartedly. आप तैयार हैं क्या है सही और पूरे मन से उसको करने so, के लिए. That's how we ought to be when we are under grace. उसी प्रकार होना चाहिए जब हम अनुग्रह के अधीन में हैं. You should know your redeemer. आप अपने उद्धारकर्ता को जाने. You should know what Jesus has done for you. आपको जानना जरूरी है क्या किया है यीशु मसीह. You should know that he's coming again. आप जाने कि वो और शीघ्र आने वाला. You know there is power in grace. आप जाने कि वो सामर्थ और अनुग्रह है. As we go back to Colossians, जैसे हम कुलुसियों की पत्री में वापस जाते हैं. And we open our heart to say, हम अपने हृदय को खोल कर कहें, Lord, I want to live in the truth of the grace of God. परमेश्वर मैं उस अनुग्रह के सच्चाई में रहना चाहता हूँ. I don't want to live in lies. मैं इन झूठों में नहीं रहना चाहता. I don't want to fool myself. मैं अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना चाहता.
I don't want to be deceived by the enemy. मैं दुश्मन के हाथों से धोखा नहीं खाना चाहता. No. I am here to do good works. मैं यहाँ पर हूँ भले काम करने के लिए. Which God prepared for me from the foundations of the world. और पृथ्वी के नींव डालने से पहले जिस प्रकार परमेश्वर ने तैयार किया मेरे लिए. As I keep my eyes on Jesus. जिस प्रकार मैं अपनी आंख यीशु पर लगाता हूँ. As I know Him as my Redeemer. और मैं जानता हूँ कि वो मेरा उद्धारकर्ता है. I purify myself through the blood of Jesus. मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ यीशु मसीह के लहू से. That's how you and I are holy. उसी प्रकार आप और मैं पवित्र हैं. Jesus suffered. यीशु मसीह उस तकलीफ को सहा. To make us holy. हमें पवित्र करने के लिए. The sufferings of Jesus. उस पीड़ाओं से जो यीशु गया. As we remember him walking to on the road Via Dolorosa to Calvary. जिस प्रकार हम याद करते हैं यीशु मसीह Via Dolorosa के उस सड़क से गुजरता है कालवरी की ओर. Even before that, how much he suffered on by taking his stripes on his back for us. उसके पहले भी हम देखते हैं कि किस प्रकार उस कोड़े को उस सहा उस अपनी पीठ पर. How much he suffered as he wore the crown of thorns on his. जिस प्रकार उस काटे के मुकुट को उसने अपने सिर पर धारण किया. As they beat him with rods. जिस प्रकार वो मार खाता रहा. As they plucked out his beard. और अपनी धाड़ी को उस प्रकार खींच निकाला. He walked on that road and fell down 3 times. उसने उस सड़क से जाते समय हम देखते हैं कि 3 बार गिरते हुए. And then he hung there on the cross. तब वो अपने आप को उस क्रूस में टांगा. Every drop of his blood was outside his body. हर एक लहू का बूंद जो उसके शरीर में से निकल रहा था. So the Bible tells us in Hebrews chapter 13 verse 12. परमेश्वर का वचन इब्रानियों के पुत्री उसका 12वां उसका 13वें पद. He suffered. उस कष्ट को सहा. To make us holy. हम सभी को उस प्रकार पवित्र बनाने के लिए. Today if you have any unholy thought. अगर आपके अंदर में आज अपवित्र सोच है तो. Unholy actions. अपवित्र कार्य है तो. What you have to do. तब आपको क्या करना है? Think of Jesus suffering for you. आपको सोचना है यीशु मसीह के उस कष्ट को सहने के बाद. Your heart through his offering. अपने आप को शुद्ध करें उसके उस भेंट चढ़ाने से. Wait for the coming of the Lord. ठहरे रहें उसके आगमन के लिए. By receiving the grace of our Lord Jesus. यीशु मसीह के अनुग्रह को ग्रहण करते हुए. Our time is up again. हमारा समय बीत चुका है. We'd like to pray for you. हम प्रार्थना करना चाहते हैं. And expect miracles in your life. आशा करें अद्भुत काम आपके जीवन. Your whole life may be changed. आपका पूरा जीवन बदल जाए. By the power of grace. अनुग्रह के सामर्थ्य के द्वारा. Let's pray. आइए प्रार्थना. Father, we thank you so much. पिता हम धन्यवाद करते हैं. The Holy Spirit is the Spirit of grace. पवित्र आत्मा जो अनुग्रह का आत्मा है. Ask you to come and teach us, Lord. हम मांगते हैं कि आप आए और हमें सिखाएं. Just to deny ungodliness and worldly love. हमें सिखाएं उन बातों को घृणा करने के जो बुरे हैं. Soberly and righteously and godly in this present world. एक संयम सा एक धर्म और भक्ति का जीवन इस जगत में बिताने पाए. So if there's anybody in this audience. सुनने वाले में अगर और कोई भी व्यक्ति है. Not living under the power of grace. जो अनुग्रह के सामर्थ्य के अधीन में नहीं है. I speak the power of the gospel into their lives right now. मैं कहता हूँ उस अनुग्रह का सामर्थ्य उनके जीवन में होने पाए. Pray all impurity to leave them through the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ हर एक अशुद्ध दूर हो. Every addiction to bow down to the name of Jesus and leave. हर एक आदतें यीशु के सामने झुकने पाए और दूर हो. Uncleanness get out in the name of Jesus. अशुद्ध की आत्मा उनके अंदर से दूर होने पाए. Yes, the iniquity shall have no dominion over us. होने पाए कि अधर्म उनको अधिकार में ना होने पाए. For Jesus came to redeem us from all iniquity. यीशु मसीह आया अधर्म से हमें छुड़ाने के लिए. I call everyone cleansed by the blood of Jesus. मैं पुकारता हूँ हर एक यीशु मसीह के लहू से sanctified by the blood of Jesus. उनको पवित्र कर यीशु के लहू से. Righteous by the blood of Jesus. उनको धर्मी बना यीशु मसीह के लहू से. Call everyone who's listening to this message holy by the blood of Jesus. हर एक जो सुनने वाले इस संदेश को पवित्र ठहरे यीशु के लहू से. And I pray all will be changed for the glory of God. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति बदल जाए. Wait for the coming of our Lord Jesus Christ. और ठहरे हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के आगमन के लिए. I proclaim the devil defeated on everybody's behalf. मैं घोषणा करता हूँ कि शैतान पराजित होने पाए हर एक के ऊपर. And I call miracles to happen in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ कि हर एक के ऊपर. I call them free from the hand of the enemy right now. मैं पुकारती हूँ स्वतंत्र होने पाए उस दुश्मन से. In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. Amen. God bless you till we meet again. परमेश्वर आपको आशीष दे जब तक हम फिर से ना मिले. Rejoice, rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, his breath is in you. Arise, a mighty army. We arise, we arise. Though we are weak, his grace is everything we need. Made of clay. But this treasure is within. He turns our weaknesses into.
Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, His breath is in you. Arise, a mighty army.